हेलो एवरीवन, टॉपिक स्टार्ट करने के पहले एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन। एसएससी जेई के लिए बेस्ट बुक्स और टेस्ट सीरीज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, प्लीज चेक इट। अब हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी तक के क्लास में हम लोगों ने देखा था पूरा बेसिक इंडक्शन मोटर का बेसिक से हम बात करते हुए आए हैं। कंस्ट्रक्शन भी हम देखे थे स्टेटर का, और ऑपरेशन की भी बात की। तो जितना भी बेसिक टर्मिनोलॉजी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो हमने देख लिया था। आज की क्लास में हम बात करेंगे कि रोटर का कंस्ट्रक्शन कैसा है। जैसे कि हम लोगों ने देखे तो रोटर कंस्ट्रक्शन को हम दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ रोटर कंस्ट्रक्शन द इंडक्शन मोटर कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। फर्स्ट वन इज द स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर एंड सेकेंड इज द स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर विच इज ऑल्सो कॉल्ड वाउंड रोटर इंडक्शन मोटर। और उसके बाद हम देखेंगे कंसेप्ट ऑफ स्लिप का कंसेप्ट आपके पूरे इंडक्शन मोटर में बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला क्या होता है, उसके बाद हम फ्रीक्वेंसी देखेंगे, रोटर की फ्रीक्वेंसी देखेंगे, और उस पे बेस्ड हम कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैं एक एक टॉपिक पे बात करूंगी, इंपॉर्टेंट मार्क भी कराऊंगी कि क्या आपके एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट और क्या आपके मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम देखते हैं रोटर कंस्ट्रक्शन के ऊपर हम इंडक्शन मोटर को कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला आप हेडिंग डालिए आज के, रोटर। ठीक है, रोटर। तो ऑन द बेसिस ऑफ रोटर कंस्ट्रक्शन द इंडक्शन मोटर कैन बी क्लासिफाइड इन टू टू कैटेगरीज। फर्स्ट वन इज द स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर एंड सेकेंड वन इज द स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर विच इज ऑल्सो नोन एज वाउंड रोटर इंडक्शन मोटर। ठीक है, इनका फीचर्स आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन आपसे डेफिनेटली इस टॉपिक से रिलेटेड पूछा जाएगा, स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर। तो उसके पहले आप लोगों को थोड़ा सा फीचर्स देखना पड़ेगा स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर का। स्लिप रिंग का भी हम देखेंगे, उसके बाद हम एक कॉलम बनाएंगे, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करेंगे, और जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप वहीं मार्क कर लीजिएगा। जब आप रिवीजन करेंगे तो उस टेबल को देख करके जाइएगा, वहां से आप लोगों को डेफिनेटली रिवीजन करने में काफी ज्यादा आसानी होगी। तो अब पहला फर्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, फीचर्स ऑफ स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर। शॉर्ट फॉर्म में देखिए मैं IM लिखूंगी, क्योंकि बार बार इंडक्शन मोटर लिखना थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है बार बार, तो शॉर्ट फॉर्म में IM लिख लीजिए, आपको भी आसानी होगी अपने नोट्स बनाने के लिए। स्क्वायरल केज इंडक्शन, नाम से समझ में आ रहा है केज यानी कि एक जाली के फॉर्म में रहेगा स्क्वायरल केज। तो हमारा क्या होता है, देखिए ये हमारा है शाफ्ट, ये हमारा हो जाएगा शाफ्ट। देख लीजिए कंस्ट्रक्शन वाइज, पहले हम रोटर बना लेते हैं, ये हमारा रोटर हो गया, देख लीजिए ये हमारे एंड रिंग्स हो गए, ठीक है, और यहां पर आपका आएगा शाफ्ट। ये हमारा क्या रहता है, केज के फॉर्म में रहता है, जो हमारा, जब आप कभी इसका 3D व्यू देखेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा, ये थोड़ा सा ऐसा हमारा टिल्टेड रहता है। ठीक है, क्यों रहता है वो भी हम डिस्कशन करेंगे, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जनरली पूछा जाता है कि ये ऐसे टिल्टेड क्यों रहता है। ठीक है, ये हमारा है इसका कंस्ट्रक्शन, ये हमारा केज के फॉर्म में है। देखिए सिंपल अगर मैं बोलूं हिंदी में तो पिंजरा के फॉर्म में रहता है इस टाइप का कंस्ट्रक्शन, इसको इसीलिए इसको स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर कहा जाता है। ये हमारा हो जाता है एंड रिंग्स, इसे हम बोलते हैं एंड रिंग्स, दोनों ही तरफ से ये क्या रहता है, शॉर्ट सर्किटेड रहता है वाया एंड रिंग से। तो ये इसका हो गया हमारा कंस्ट्रक्शन, ये हमारा है शाफ्ट, रोटर का कंस्ट्रक्शन है ये, इस तरीके का रोटर होगा। जब कभी आप इसका 3D व्यू देखेंगे तब आप लोगों को अच्छे से और समझ में आएगा कि ये क्या है। और ये हमारा है केज, इसको हम बोलते हैं कॉपर बार का रहता है। ठीक है, ये आपका है कॉपर बार। तो एक तरफ आप क्या करिए, एक तरफ आप हेडिंग में के साइड में ये डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगी कि केज बना हुआ है और एंड रिंग्स है।
अब इसका जितना भी कंस्ट्रक्शन फीचर्स है वो थोड़ा सा आप लोगों को अच्छे से समझना पड़ेगा, क्योंकि इसमें हमारा जो रोटर है वो क्या रहता है, स्क्वायरल केज के फॉर्म में रहता है, केज के फॉर्म में। रोटर कंस्ट्रक्शन इज बेसिकली स्क्वायरल केज, ठीक है, स्क्वायरल केज। और हमारा सेकंड पॉइंट हो जाएगा, देखिए यहाँ पर हमारा रोटर कोर होता है वो सिलिकॉन स्टील लैमिनेशन का होता है। रोटर हमारा कोर जो रहता है वो बना होता है सिलिकॉन स्टील लैमिनेशन का। और एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि जब भी कोर का कंस्ट्रक्शन होता है, देखिए आप ट्रांसफॉर्मर में भी कोर देखे होंगे, वहां पर भी ये सेम मटेरियल का बना होता था, सिलिकॉन स्टील लैमिनेशन का, क्योंकि क्या होता है हमारा ये बेस्ट मटेरियल होता है डिजाइन करने के लिए। इसमें क्या होता है एडी करंट लॉसेस भी कम होते हैं हमारा, और ओवरऑल हमारा वेट भी कम होता है। तो लैमिनेशन क्यों करते हैं हम लोग, थिन स्टैक ऑफ लैमिनेशन रहता है इसमें भी, क्योंकि एडी करंट लॉस को क्या है कम करना है। जितना ज़्यादा आप अच्छे से लैमिनेट करेंगे तो वहाँ पर हमारा क्या होगा, थिन लैमिनेशन होगा, एडी करंट लॉसेस कम हो जाएगा, इसीलिए ये कोर मटेरियल हमारा सिलिकॉन स्टील लैमिनेशन का होता है। उसके बाद अगर मैं बोलूँ तो रोटर लैमिनेशन आर मेड अप ऑफ थिक लैमिनेशन एज द रोटर फ्रीक्वेंसी इज 1 to 4 हर्ट्ज़। रोटर फ्रीक्वेंसी के बारे में हम बात कर लेंगे, ठीक है। रोटर फ्रीक्वेंसी यहां पर अगर मैं देखूं, रोटर फ्रीक्वेंसी जिसकी हम अच्छे से और बात करेंगे, ये बहुत ही कम होता है। रोटर फ्रीक्वेंसी बहुत कम होता है, क्यों कम होता है हमारा, क्योंकि हमारा क्या होता है एडी करंट लॉसेस कम होते हैं। रोटर फ्रीक्वेंसी कम होता है इसलिए एडी करंट लॉसेस भी कम होते हैं, ठीक है, समझ में आया। और इसका फीचर्स क्या है, देखिए इसमें हमारा, इस टाइप के कंस्ट्रक्शन में हमारा कोई डेफिनेट पोल्स नहीं होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस पॉइंट को आपको पूरे हमेशा जब भी आप स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर पढ़ेंगे, ये टॉपिक, ये पॉइंट आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। तो आप बोल सकते हैं कंस्ट्रक्शन फीचर में दिस टाइप ऑफ रोटर हैज नो डेफिनेट पोल्स, बट द नंबर ऑफ स्टेटर पोल विल इंड्यूस्ड इन द रोटर ऑटोमेटिकली, ठीक है, ऑटोमेटिकली इंड्यूस्ड हो जाता है बाय मीन्स ऑफ इंडक्शन। तो यहां पर कोई डेफिनेट पोल्स नहीं होता है, ये आप लोगों को समझना है। इन स्क्वायरल केज रोटर या फिर इंडक्शन मोटर, देयर इज नो डेफिनेट पोल्स, there is no definite poles since the rotor poles are induced poles hence rotor poles are automatically forms accordingly. इसका मतलब क्या है, इस टाइप का हमारा फायदा ये होता है कि इसमें रोटर कंस्ट्रक्शन में हमारा कोई भी पर्टिकुलर हमारा पोल्स डेफिनेट नहीं होता है, 4 होगा या 6 होगा या 8 होगा या 10 होगा। फ्रेंड्स इसमें क्या होता है, जैसे ही हमारा स्टेटर पोल्स डेवलप होता है उसके अकॉर्डिंग में रोटर पोल्स अपने आप ऑटोमेटिकली एडजस्ट करके पोल्स डेवलप करता है। ये इसका स्पेशल फीचर्स है और ये आप लोगों को इम्पॉर्टेंट मार्क करना है। देखिए ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप लोगों को अच्छे तरीके से समझना है। समझ में आया? तो हम ये बोलेंगे एज द रोटर पोल्स आर इंड्यूस्ड पोल्स, सो दिस टाइप ऑफ रोटर कैन रिस्पॉन्ड ऑटोमेटिकली टू द चेंजेस इन नंबर ऑफ स्टेटर पोल्स, ऑटोमेटिकली डेवलप कर लेता है, ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। इसमें क्या होता है, अब इसके बाद जो हमारा फोर्थ पॉइंट है तो इस वाले में हम लोगों को डेफिनेट फेस भी नहीं होता है, रोटर का डेफिनेट फेस भी नहीं होता है, कोई चीज डेफिनेट नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें लिख सकते हैं, इन स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर,
इन स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर देर इज नो डेफिनेट फेस, देर इज नो डेफिनेट रोटर फेस, कोई डेफिनेट रोटर फेस नहीं होता है। तो अगर कोई डेफिनेट रोटर फेस नहीं है तब आप उस केस में क्या करेंगे, तो हमारा होता है नंबर ऑफ रोटर फेस, यहाँ लिख लीजिए इसको, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, नंबर ऑफ रोटर फेस इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉपर बार्स, नंबर ऑफ कॉपर बार्स, यानी कि जितने भी कॉपर बार्स होंगे उतना हमारा क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ फेस होंगे, ठीक है, उतना ही हमारा क्या हो जाएगा, फेस हो जाएगा, नंबर ऑफ कॉपर बार्स लिख लीजिए अंडर वन पोल, अंडर वन पोल, और इस पॉइंट को आप क्या करिए, ट्रिपल स्टार मार्क कर लीजिए। कई बार इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा गया, इंपॉर्टेंट है आपके लिए ट्रिपल स्टार, ट्रिपल स्टार देख लीजिए, स्पेशल फीचर्स है, ये स्पेशल फीचर्स है। इसके बाद अगर मैं बोलूं इसका और फीचर्स हमारा है नेक्स्ट, अगर मैं बोलूं तो इसके लिए हमारा स्टार्टिंग टॉर्क बहुत कम मिलता है, इस वाले फेज में लो स्टार्टिंग टॉर्क, ये एक इसका ड्रॉबैक है, स्टार्टिंग टॉर्क कम लगता है। लेकिन इंडस्ट्रीज में अगर मैं बोलूं तो 95% ही यूज है इसका, 95% यूज किया जाता है, 95% एप्लीकेशन है इसका इंडस्ट्रीज में। और जो सेकेंड हम लिखे हैं स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, उसका जनरली अगर मैं प्रैक्टिकली बात करूं तो सिर्फ 5% यूज किया जाता है इंडस्ट्रीज में, अदरवाइज 95% हम यूज करते हैं स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर का। हालांकि ड्रॉबैक बहुत है इसके, लेकिन फिर भी हम ये ज़्यादा यूज़ करते हैं क्योंकि इसकी रनिंग परफॉर्मेंस अच्छी है, स्टार्टिंग परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं है, स्टार्टिंग टॉर्क हम लोगों को कम मिलता है, लेकिन रनिंग परफॉर्मेंस अच्छा है और साथ ही साथ इसका मेंटेनेंस भी कम लगता है, ठीक है, मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट इज लो, यानी लो मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये इसके कुछ स्पेशल फीचर्स हैं जो आप लोगों को पढ़ना है, और भी इसके स्पेशल फीचर्स हैं, हम लोग को क्या होता है ये अभी हम देखेंगे। एंड रिंग से ये शॉर्ट रहता है, जैसे कि हम देखे थे इतना अगर आप पॉइंट्स लिख लिए हैं, और जिस जो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस रोटर कंस्ट्रक्शन के लिए, यहां पर मैं बोली थी कि हमारे रोटर क्या होता है, शॉर्ट सर्किटेड रहते हैं, ठीक है, रोटर कंसिस्ट ऑफ बार्स विच आर शॉर्ट सर्किटेड विद द हेल्प ऑफ एंड रिंग, जैसा कि मैंने डिफरेंस इसमें बताया था आप लोगों को। तो यहां लिख लीजिए रोटर कंसिस्ट ऑफ बार्स विच आर शॉर्ट सर्किटेड एट बोथ एंड्स वाया एंड रिंग। एंड रिंग से ये क्या होता है, शॉर्ट सर्किटेड रहते हैं, तो हम कोई भी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इसमें ऐड नहीं कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैन बी एडेड इन द रोटर सर्किट, कैन बी एडेड इन द रोटर सर्किट। रोटर सर्किट में हम कभी भी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड नहीं कर सकते हैं, और ये अगर मैं इसका पूरे फीचर्स की बात करूं तो ये इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा अगर कोई टॉपिक इंपॉर्टेंट है तो ये आप नोट पॉइंट में लिख लीजिए कहीं पर भी, ऊपर में अगर स्पेसिंग है आपके नोट्स बनाने के लिए लिखिए, नो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैन बी एडेड इन द रोटर सर्किट सिंस द रोटर बार्स आर शॉर्ट सर्किटेड एट बोथ द एंड्स वाया एंड रिंग्स, ये शॉर्टेड होता है, ठीक है, शॉर्टेड होता है, और परमानेंटली शॉर्ट होता है तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का सवाल ही नहीं होता है हम ऐड करें। इसके बाद इस टाइप में हम लोगों को ना तो ब्रश की जरूरत पड़ती है ना तो स्लिप रिंग की जरूरत पड़ती है, ठीक है, नो सच स्लिप रिंग्स एंड ब्रशेस आर रिक्वायर्ड, ठीक है, नो सच आर रिक्वायर्ड, और यही सब पॉइंट्स आपके बन जाते हैं एमसीक्यूज क्वेश्चन में,
ठीक है, एमसीक्यूज क्वेश्चन में ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नो सच स्लिप रिंग एंड ब्रशेज आर रिक्वायर्ड, ब्रशेज की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए इसका नाम भी हमारा कहीं भी स्लिप रिंग नहीं आ रहा है, स्लिप का स्लिप रिंग की जरूरत आप लोगों को नहीं पड़ती है, ठीक है, समझ में आया। और इससे हम क्या कर सकते हैं, जब हम स्पीड कंट्रोल देखेंगे उसके बाद हम स्पीड कंट्रोल देखेंगे, वहां पर भी हम रेजिस्टेंस वाला फैक्टर आएगा। तो ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्क्वायरल केज का वो मैं आपसे नोट डाउन करा दी हूँ। इसके बाद हम थोड़ा सा स्लिप रिंग देखेंगे और उसका एक हम मेजर टेबल बनाएंगे, वो बस आप पढ़ के जाइए, आपको इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, मेन मेन पॉइंट वहां पर मैं आप लोगों को डिस्कस कराऊंगी। तो ऊपर ऊपर मैंने बताया है पूरा, ये इंपॉर्टेंट है रोटर कंस्ट्रक्शन में। सेकेंड आप लोगों को पढ़ना है, देखिए स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, तो नाम से आप लोगों को समझ में आ रहा है कि यहां पर हम लोगों को स्लिप रिंग की जरूरत पड़ने वाली है। और हमारा ये कंस्ट्रक्शन कैसा होता है रोटर का, वाउंड रोटर होता है इसमें, वाउंड रोटर होता है इसमें कंस्ट्रक्शन वाइज, अदरवाइज ये 99, अदरवाइज हम लोग मैक्सिमम 95% यूज करते हैं स्क्वायरल केज, बहुत ही कम इसका एप्लीकेशन है। सिर्फ इसका क्या है, हम लोगों का स्टार्टिंग परफॉर्मेंस अच्छा है, रनिंग परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है। सेकंड आप लोगों को आता है मेनली स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर है तो नाम से समझ में आ रहा होगा इसमें स्लिप रिंग प्रेजेंट है, रोटर होता है हमारा वाउंड रोटर, ठीक है, स्लिप रिंग और ब्रश प्रेजेंट रहता है, ब्रशेज आर प्रेजेंट, और इसमें हमारा कहीं भी शॉर्ट सर्किटेड नहीं होता है तो हम कह सकते हैं एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैन बी एडेड, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैन बी एडेड इन द रोटर सर्किट, ठीक है। इसका हमारा क्या होता है, स्टार्टिंग टॉर्क ज्यादा होता है, हाई स्टार्टिंग टॉर्क, स्टार्टिंग टॉर्क इज हाई, ठीक है, बट इसमें हमारा होता है लो रनिंग परफॉर्मेंस, रनिंग परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं होता है, ठीक है। और अगर मैं स्पीड कंट्रोल की बात करूं तो स्पीड कंट्रोल हम कर सकते हैं वाया एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, लेकिन इसका यही है कि ओनली 5% ही इंडस्ट्रीज में इसका एप्लीकेशन है, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, क्योंकि क्या होता है इसका कॉस्ट हाई होता है, सिंस कॉस्ट इज ऑल्सो हाई एंड मेंटेनेंस इज ऑल्सो हाई, मेंटेनेंस भी इसका क्या होता है हाई होता है, समझ में आया, मेंटेनेंस भी हाई होता है सब कुछ। ये देखिए मैंने पॉइंट लिखा दिया है, इसमें भी ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैन बी एडेड, हमारा स्टार्टिंग टॉर्क हाई होता है और हमारा क्या होता है लो रनिंग परफॉर्मेंस। तो ये सब पॉइंट आप नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद आप लोगों को एक टेबल बनाना पड़ेगा, एक तरफ आप लोगों को लिखना पड़ेगा स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर और दूसरी तरफ आप लोगों को लिखना पड़ेगा स्क्वायरल केज रोटर। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हम देख लेंगे, आप रिविजन करते समय सिर्फ और सिर्फ इस टेबल को देख करके जाइए, आपको मोस्ट ऑफ द एमसीक्यूज क्वेश्चन देखने को मिलेगा और आप सॉल्व कर पाएंगे इजीली, ठीक है। अब मैं यहाँ पर कंपैरिजन कर रही हूँ क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चन देखिए आपको अगर एसएससी जेई के लिए पढ़ रहे हैं तो बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है, आप तुक्का नहीं लगा सकते हैं। न्यूमेरिकल में तो क्या है फॉर्मूला पढ़ लिए तो याद रहता है कई बार, लेकिन थ्योरी भूलने के चांसेस रहते हैं, इसीलिए आप दोनों पे फोकस करिए। एक तरफ आप बनाइए वाउंड रोटर, इसी को हम क्या बोलते हैं स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। सेकंड इस तरफ राइट हैंड साइड में आपने बनाइए स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर, स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर। एक एक पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, देख लीजिए। एक एक पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट पॉइंट हमारा होता है, जैसे कि हम रोटर की बात किए थे तो हम बोल रहे थे यहां पर रोटर कंसिस्ट ऑफ थ्री फेज
winding. Rotor consists of a three phase winding similar to stator winding. जैसा स्टेटर वाइंडिंग में हमारा होता है वैसे ही यहाँ पर हमारा थ्री फेस वाइंडिंग रोटर में भी रहता है. लेकिन अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो यहाँ हम लोगों ने अभी देखा रोटर कंसिस्ट ऑफ बार्स यानी कि कॉपर बार्स विच आर शॉर्ट सर्किटेड at both ends via end rings. ये आप लोगों को समझना है. एंड रिंग से हमारा क्या होता है, दोनों तरफ ही शॉर्ट सर्किटेड रहते हैं. अगर ऐसा होता है तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पर, सेकेंड पॉइंट, रेजिस्टेंस कैन बी एडेड एक्सटर्नली. अब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड करके उसका टॉर्क बढ़ा सकते हैं और भी आप इसका परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं, स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है. लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी शॉर्टेड है तो कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आप इसमें ऐड नहीं कर सकते. यहाँ लिख लीजिए नो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैन बी एडेड इन केस ऑफ स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर. ठीक है, समझ में आया. थर्ड पॉइंट आप देखिए, थर्ड पॉइंट यहां पर आप लोगों को लिखना है, स्लिप रिंग और ब्रश के बारे में हम बात किए थे तो यहां लिख लीजिए थर्ड पॉइंट, स्लिप रिंग्स एंड ब्रशेस can be present to add external resistance. ठीक है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड करने के लिए यहाँ पर आप लोगों को स्लिप रिंग भी प्रेजेंट रहता है, साथ ही साथ ब्रश भी प्रेजेंट रहता है. ब्रश का क्या काम होता है, कलेक्शन ऑफ करंट का. ठीक है, इसमें आप लिख लीजिए स्लिप रिंग्स एंड ब्रश आर नॉट प्रेजेंट. कोई भी ऐसा चीज इसमें प्रेजेंट नहीं होता है तो आप समझ सकते हैं कि इसका कॉस्ट कम होगा, इसका कॉस्ट ज्यादा होगा. तो आप लिख लीजिए फोर्थ पॉइंट, कॉस्ट इज मोर और यहां पर कॉस्ट इज लेस, इसीलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, जनरली यूज किया जाता है हमारे इंडस्ट्रीज में. ये हमारा हो गया फोर्थ पॉइंट हो गया. समझ में आया, रोटर हमारे यहाँ पर कॉस्टली होता है, वहाँ पर कॉस्टली नहीं होता है. फिफ्थ पॉइंट, जैसा कि मैंने डिस्कस किया था, यहाँ पर हाई स्टार्ट टॉर्क हम लोगों को मिलता है. हाई स्टार्टिंग टॉर्क कैन बी अचीव. इसमें हमारा क्या होता है, लो स्टार्टिंग टॉर्क, इसलिए इसका हमारा स्टार्टिंग परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होता है. और इसमें एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हम ऐड भी नहीं कर सकते हैं तो टॉर्क को हम लोग बढ़ा भी नहीं सकते हैं स्टार्टिंग टॉर्क को, इसीलिए हम क्या बोल सकते हैं, इसका लो रनिंग परफॉर्मेंस, लो रनिंग परफॉर्मेंस एंड हाई स्टार्टिंग परफॉर्मेंस. स्टार्टिंग परफॉर्मेंस बहुत ही बेहतरीन शानदार तरीके से परफॉर्म करता है ये. टॉर्क बहुत अच्छा होता है लेकिन रनिंग परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं है, तो इसमें जस्ट ऑपोजिट लिख लीजिए. इसमें हम लोगों को लिख लीजिए लो स्टार्टिंग परफॉर्मेंस एंड हाई रनिंग परफॉर्मेंस और इसीलिए हम लोगों को यूज करते हैं इंडस्ट्रीज में. ठीक है, ये आपका हो जाएगा सिक्स्थ पॉइंट. ठीक है, और अगर हम पोल्स की बात करें तो हम ये बोलेंगे रोटर मस्ट इज वाउंड फॉर सेम नंबर ऑफ पोल्स दैट ऑफ अ स्टेटर. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके लिए, रोटर इज वाउंड फॉर सेम नंबर ऑफ पोल्स एज दैट ऑफ स्टेटर.
जितने स्टेटर में पोल होंगे उतना ही हमको क्या करना पड़ेगा, रोटर में वाउंड करना पड़ेगा सेम नंबर ऑफ पोल्स में। अगर लेकिन इसमें हम देखे थे अभी अभी, तो यहाँ पर क्या है, रोटर ऑटोमेटिकली, रोटर पोल्स आर ऑटोमेटिकली इंड्यूस्ड, ठीक है, ऑटोमेटिकली डेवलप कर लेता है, ऑटोमेटिकली फॉर्म एज पर स्टेटर पोल, ठीक है, एज पर स्टेटर पोल्स। तो जैसे स्टेटर पोल्स है उसी के अनुसार में क्या हो जाएगा, वो उसको उसके अकॉर्डिंग रोटर पोल्स डेवलप हो जाएंगे। तो ये हमारा क्या है, बेसिक सा डिफरेंस है। अगर मैं इसमें इंपॉर्टेंट मार्क करूं, करना चाहूं, तो सबसे इंपॉर्टेंट हमारा ये पॉइंट है, सेकंड पॉइंट, और उसके बाद हमारा है फिफ्थ पॉइंट इंपॉर्टेंट है, हाई स्टार्टिंग टॉर्क, उसमें लो स्टार्टिंग टॉर्क, और उसके बाद हमारा ये सेवंथ पॉइंट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रोटर इज बाउंड फॉर सेम नंबर ऑफ पोल्स एज दैट ऑफ द स्टेटर पोल्स, और उसमें हमारा क्या होता है, रोटर पोल्स आर ऑटोमेटिकली फॉर्म्ड एज पर द स्टेटर पोल्स, वहाँ पर हम लोगों को ऑटोमेटिकली फॉर्म हो जाता है। और उसके अलावा यहाँ पर दो तीन पॉइंट हो सकते हैं, आप ऐड कर लीजिएगा, वही है सेम, हम लोगों को स्टार्टर के बारे में पढ़ सकते हैं, फिर अपना एप्लीकेशन लिख लीजिए यहाँ पर कि हम लोग का सिर्फ 5% यूज़ किया जाता है, 95% इंडस्ट्रीज में यूज़ कर किया जाता है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैंने यहाँ पर मार्क करा दिया है, यहाँ से MCQs क्वेश्चन आपको डेफिनेटली इस टॉपिक से देखने को मिलेगा। इतनी बात आप लोगों को समझ में आई, ये पूरा कंस्ट्रक्शन वाइज डिफरेंस हो गया। आगे हम और बात करेंगे, डीप केज रोटर भी होता है, डबल केज रोटर भी होता है, उस पर भी हम डिस्कशन करेंगे। ऊपर ऊपर मैंने ये सब आप लोगों को बता दिया है, जब हम MCQs क्वेश्चन या फिर न्यूमेरिकल देखेंगे तब वहाँ पर हम देखेंगे किस टाइप का SSCJEE क्वेश्चन पूछता है। इसके बाद हम आते हैं हमारे कंसेप्ट ऑफ स्लिप में, और ये टॉपिक आपके पूरे इंडक्शन मोटर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्लिप का कंसेप्ट, ठीक है, IMP मार्क कर लीजिए, क्योंकि बिना स्लिप के हमारा इंडक्शन मोटर आएगा नहीं कोई, क्योंकि कभी भी हमारा इंडक्शन मोटर सिंक्रोनस स्पीड पे नहीं मूव करता है, लेस देन द सिंक्रोनस स्पीड पे मूव किया करता है, जैसा कि मैंने फर्स्ट क्लास में आपसे डिस्कशन किया था। अगर लेस देन सिंक्रोनस स्पीड पे काम करता है मशीन तो उसे हम बोलते हैं इंडक्शन मोटर, और अगर ग्रेटर देन पे काम करता है तो उसे हम बोलते हैं इंडक्शन जनरेटर, और दोनों को मिला करके हम बोलते हैं इंडक्शन मशीन, रोटेटिंग मशीन है, म्यूचुअल इंडक्शन पे ये वर्क करता है। तो आई होप आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा डिफरेंस क्या है, आपको एकदम ज़्यादा डिटेल्स में देखिए पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, किस टाइप का क्वेश्चन आता है वो मैं आपको बताऊंगी, इवन आपके मेंस के लिए भी कैसा क्वेश्चन आता है वो भी मैं आपसे शेयर करूंगी। आपका जो नेक्स्ट हेडिंग होना चाहिए वो होना चाहिए कंसेप्ट ऑफ स्लिप, कंसेप्ट ऑफ स्लिप, ठीक है, आइए देखते हैं, आइए हम देखते हैं कंसेप्ट ऑफ स्लिप क्या होता है। तो स्लिप को अगर मैं डिफाइन करना चाहूँ, देख लीजिए, तो स्लिप हमारा होता है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बोलूँगी, हमारा इंडक्शन मोटर हमेशा रन करता है, बताइए क्या, लेस देन द सिंक्रोनस स्पीड, तो इंडक्शन मोटर ऑलवेज runs at a speed less than synchronous speed, less than synchronous speed, जिसे हम बोलते हैं ns बोलते हैं, less than the synchronous speed, और ये होता है हमारा 120 f upon में p। जैसे जैसे हम लोड को इंक्रीज करते हैं वैसे वैसे हमारा क्या हो जाता है, स्पीड कम हो जाता है, स्पीड ऑफ द मोटर इज डिक्रीज। तो सेकेंड पॉइंट आप ये लिख लीजिए, एज द लोड इज इंक्रीज्ड, जैसे जैसे आप लोड कनेक्ट करेंगे और लोड को बढ़ाएंगे, हमारा स्पीड क्या हो जाएगा, द स्पीड ऑफ मोटर रिड्यूसेस। तो स्लिप क्या होता है, अब आप ये सोच रहे होंगे, तो स्लिप हमारा होता है the difference between
synchronous speed and the actual speed of motor is known as स्लिप स्पीड. इसको बोलते हैं, आप समझ लीजिए, इससे आपसे एमसीक्यूज क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है. स्लिप स्पीड, स्लिप स्पीड, ठीक है. स्लिप स्पीड इसको हम लोग बोलते हैं. डिफरेंस रहता है हमारे सिंक्रोनस स्पीड का और एक्चुअल स्पीड ऑफ रोटर का. एक्चुअल स्पीड ऑफ रोटर का उसे ही हम बोलते हैं स्लिप स्पीड. ये मोटर नहीं, रोटर है, ठीक है. रोटर है उसका अलग स्पीड होगा, हमारा स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड का अलग हो जाएगा. तो हम बोल रहे थे कि जैसे जैसे हम थ्री फेज एसी सप्लाई हमारा कनेक्ट करते हैं स्टेटर में, वैसे ही हमारा एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है स्टेटर में, जो कि सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट करता है. उसके बाद हमारा क्या होता है, म्यूचुअल इंडक्शन से हमारे रोटर कंडक्टर्स में करंट आते हैं और हमारा रोटर रोटेट करने लगता है रोटर स्पीड से, जिसे हम बोलते हैं एनआर. और एक इंडक्शन मोटर के लिए एनआर हमेशा कम होता है एनएस स्पीड से, ये आप लोगों को बस इतना समझना है. तो ये हो जाएगा स्लिप. यहां पर जो स्लिप स्पीड है वो हो जाएगा एनएस माइनस एनआर, वेयर एनएस इज इक्वल टू 120 एफ अपॉन में पी होता है. और एफ हमारा होता है, देखिए, फ्रीक्वेंसी ऑफ सप्लाई और सप्लाई फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्ज, और पी होता है हमारा नंबर ऑफ पोल्स. यहां पर हमारा अगर एनआर में डिफाइन करूं, देख लीजिए, तो एनआर हमारा होता है रोटर स्पीड. दोनों ही आरपीएम में होंगे तो मुझे यूनिट लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रोटेशन और रिवॉल्यूशन पर मिनट में ही होंगे. स्लिप यहां पर हमारा होता है, देख लीजिए, या परसेंटेज स्लिप, एनएस माइनस एनआर अपॉन में एनएस इंटू 100. ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है पूरे इंडक्शन मोटर में. अगर मैं सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बोलूं तो ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. परसेंटेज स्लिप इज इक्वल टू एनएस माइनस एनआर अपॉन में एनएस. नीचे में एनएस है, ये आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है. इसको हम डिफाइन करते हैं, देख लीजिए, स्मॉल एस से. स्मॉल अगर एस आपके इंडक्शन मोटर में लिखा रहा तो आप लोगों को समझना है ये स्लिप के बारे में बात कर रहे हैं. तो परसेंटेज स्लिप इज इक्वल टू एनएस माइनस एनआर अपॉन में एनएस इंटू 100. ये हो गया आपका परसेंटेज स्लिप. अब आप मुझे ये बताइए, यहां से मुझे अगर एनआर की वैल्यू निकालनी है एक्चुअल स्पीड ऑफ रोटर की, तो कैसे निकलेगा? यहां से इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए. एनएस माइनस एनआर इज इक्वल टू एसएनएस, इसे आप इक्वेशन वन बोल दीजिए. यहां से मुझे एनआर की वैल्यू निकालनी है तो एनआर इज इक्वल टू एनएस माइनस एसएनएस आएगा. चेक करके बताइए सही लिखा है कि नहीं. मैंने ये ns है, यहां लेकर के आइए, nr की वैल्यू निकल करके आएगी 1 माइनस s टाइम्स ऑफ ns. और ये फॉर्मूला आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, स्पेशली ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से. MCQs में डायरेक्ट इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है. आई होप ये आप लोगों को समझ में आओगे कि रोटर स्पीड क्या है. nr इज इक्वल टू 1 माइनस ns इंटू ns. यहां पर मैं फिर से लिख लेती हूँ, इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला. S इज इक्वल टू ns माइनस nr अपॉन में ns इंटू 100, परसेंटेज में है. सेकेंड, nr इज इक्वल टू 1 माइनस s टाइम्स ऑफ ns. ये इंपॉर्टेंट है. ये दोनों फार्मूला आपके पूरे इंडक्शन मोटर में इंपॉर्टेंट है. कहीं भी अगर आप फार्मूला शीट में नोट कर रहे हैं तो ये दोनों फार्मूला आप नोट कर लीजिए, क्योंकि इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल पूछा जाता है. तो ये हो गया आप लोगों का स्लिप का कंसेप्ट. उसके बाद हम रोटर फ्रीक्वेंसी भी देखेंगे, तब वहां पर हम बात करेंगे कि रोटर की फ्रीक्वेंसी क्या आती है, ठीक है. आई होप ये सब पॉइंट आप लोगों को क्लियर होगा. एक बार मैं ऊपर और बता देती हूँ. देखिए, इंडक्शन मोटर हमेशा लेस देन द सिंक्रोनस स्पीड रन करता है, और जैसे जैसे आप लोड बढ़ाते हैं स्पीड ऑफ रोटर कम हो जाता है. द डिफरेंस बिटवीन द सिंक्रोनस स्पीड एंड द एक्चुअल स्पीड ऑफ रोटर इज नोन एज द स्लिप स्पीड.
एंड द परसेंटेज स्लिप कैन बी डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन एन एस माइनस एन आर अपॉन में एन एस इंटू 100. एन एस माइनस एन आर से आप ये सॉल्व करेंगे तो एन आर इज इक्वल टू 1 माइनस एस टाइम्स ऑफ एन एस मिलेगा, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. फॉर्मूला शीट में आप नोट कर लीजिएगा कहीं भी. इसके बाद चाहे आप इतना थ्योरी ना भी पढ़े तो चल जाएगा, लेकिन समझने के लिए आप लोगों को ये चीज इंपॉर्टेंट समझना है, ठीक है. अब यहाँ पर मैं आपको नोट पॉइंट लिखाऊंगी जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है. चाहे तो आप समझ भी सकते हैं, लेकिन इसमें आप लोगों को कन्फ्यूजन होगी. डायरेक्ट आप एग्जाम में इसको थोड़ा सा याद करके जाइए. जिस भी लॉजिक से आप याद करेंगे वो याद कर लीजिए, क्योंकि कन्फ्यूजन और क्वेश्चन डेफिनेटली इससे पूछा जाता है, ठीक है. तो यहाँ पर आप लोग एक नोट पॉइंट लिखिए या फिर इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिखिए. इम्पॉर्टेंट नोट पॉइंट फर्स्ट. अब ऐसा क्या इम्पॉर्टेंट है तो हम लोगों को के लिए इम्पॉर्टेंट है पहला फर्स्ट. स्पीड पूछा जाता है जनरली आप लोगों से. स्पीड क्या होता है वो आपसे पूछा जाएगा, तो आप बोलेंगे ऑब्जर्वेशन है हम लोगों का जो कि इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. आप लोगों को पूरा ये समझना है कि स्पीड ऑफ इंडक्शन मोटर विथ रिस्पेक्ट टू एक हम लोगों का टॉपिक आता है. तो यहां लिख लीजिए आप पहला द स्पीड ऑफ स्टेटर फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू. पहला स्टेटर, ये क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जाता है एमसीक्यू क्वेश्चन में, इसीलिए मैं जरूरी समझी आप लोगों को ये लिखवाना. द स्पीड ऑफ द स्टेटर फील्ड पहला विथ रिस्पेक्ट टू स्टेटर स्ट्रक्चर. विथ रिस्पेक्ट टू स्टेटर स्ट्रक्चर पहला. सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू रोटर स्ट्रक्चर. थर्ड विथ रिस्पेक्ट टू रोटर फील्ड. ये तीन पॉइंट आप लोगों को थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा. भूल जाएंगे तो कहीं भी आप इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट में लिख लीजिए. जब भी आप एमसीक्यूज क्वेश्चन पढ़ेंगे तो डेफिनेटली इस टॉपिक से आप लोगों को ये जरूर देखने को मिलेगा. आप चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, ये टॉपिक आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. पहले लिख लीजिए फिर मैं यहाँ नोट डाउन कराऊंगी कि क्या क्या होता है. सेकेंड द स्पीड ऑफ रोटर फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट स्टेटर स्ट्रक्चर. सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू रोटर स्ट्रक्चर. एंड थर्ड विथ रिस्पेक्ट टू स्टेटर फील्ड. आइए फिल कर लेते हैं हम लोग. देखिए हम लोगों का क्या है, इसमें हमारा स्लिप का कंसेप्ट आता है. एक स्पीड नहीं होती है यहाँ पर, दो स्पीड मौजूद होती है. एक सिंक्रोनस स्पीड होता है, एक हमारा क्या होता है रोटर स्पीड होता है, जिसे हम NR बोलते हैं. तो अगर हम स्टेटर फील्ड का रिस्पेक्ट में स्टेटर स्ट्रक्चर का स्पीड देखेंगे तो हमारा ये हो जाता है NS, यानी कि द स्पीड ऑफ स्टेटर फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू स्टेटर स्ट्रक्चर इज NS. ओके. सेकेंड द स्पीड ऑफ द स्टेटर फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू रोटर स्ट्रक्चर इज NS माइनस NR, जिसे हम SNS भी बोलते हैं. अभी हमने निकाला था इस चीज को. थर्ड, कभी भी स्टेटर फील्ड और रोटर फील्ड के रिस्पेक्ट में अगर स्पीड बात करें तो ये होता है जीरो, यानी कि हमारा क्या है आपस में मैग्नेटिक लॉकिंग होती है इन दोनों के बीच में और हमारा रिलेटिव स्पीड होता है जीरो. तो मैं कहूंगी द स्पीड ऑफ द स्टेटर फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू रोटर फील्ड इज जीरो. जीरो होता है. और ये पॉइंट आपके पूरे सिलेबस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ये टॉपिक ही एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है. चाहे आप कोई भी स्टेट AEJ एग्जाम दे रहे होंगे, ये आपको इस ही चार पॉइंट से आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलेगा. नेक्स्ट आते हैं द स्पीड ऑफ रोटर फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू स्टेटर स्ट्रक्चर. अगेन यहां पर हो जाएगा NS. द स्पीड ऑफ रोटर फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू रोटर स्ट्रक्चर इज NS माइनस NR, ठीक है. एंड यहां पर भी हमारा विथ रिस्पेक्ट टू स्टेटर फील्ड एंड रोटर फील्ड हमेशा होता है जीरो.
समझ में आया इतनी बात? समझ में आया? और एग्जांपल लिख लीजिए आप, मान लीजिए अगर आपका सिंक्रोनस स्पीड है 1500 आरपीएम, आपका रोटर हमेशा लेस देन पे काम करेगा, मान लीजिए 1470 आरपीएम पे काम कर रहा है, तो यहां पर स्टेटर स्ट्रक्चर का द स्पीड ऑफ स्टेटर फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू रोटर फील्ड इज 1500 आरपीएम, ठीक है, पहला। सेकंड, द स्पीड ऑफ स्टेटर फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू रोटर स्ट्रक्चर इज 15 माइनस 1470 आरपीएम इज इक्वल टू 30 आरपीएम, और इस टाइप का क्वेश्चन आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा। द स्पीड ऑफ स्टेटर फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू रोटर फील्ड इज ऑलवेज जीरो। सेकेंड, द स्पीड ऑफ रोटर फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू स्टेटर स्ट्रक्चर इज अगेन NS, मीन्स 1500 आरपीएम। सेकेंड, द स्पीड ऑफ रोटर फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू स्टेटर फील्ड इज अगेन 30 आरपीएम, 1500 माइनस 1417, एंड यहाँ पर तो जीरो आएगा। तो ये अगर आप कहीं अपना नोट्स बना रहे हैं तो इस पूरे पॉइंट को इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। जितना भी मैं बोर्ड में लिखवाई हूँ आपके सिलेबस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरे इंडक्शन मोटर में इस पे बेस्ड क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा आपके हमारे पूरे इससे, ठीक है, समझ में आया। उसके बाद आप लोगों को हेडिंग डालना है रोटर फ्रीक्वेंसी या फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटर करंट, रोटर करंट, ठीक है, ये मैं रब कर रही हूं, देख लीजिए। इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट पूरे इंडक्शन मोटर का अगर मैं बोलूं तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें आप लोगों को देखना, देखिए इतना ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, तो चाहे तो आप इसे इसी सीक्वेंस में याद कर लीजिए तो अच्छा रहेगा क्योंकि आपको फाइनल में कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा। अदरवाइज ज़्यादा दिमाग लगाएंगे तो आप भूल जाएंगे, कहीं पर NS कर दिए, कहीं पर NS माइनस NR कर दिए और कहीं पर जीरो कर दिए, ठीक है। तो नेक्स्ट जो आपका हेडिंग रहेगा देख लीजिए, नेक्स्ट आपका हेडिंग रहेगा फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटर करंट, फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटर करंट, ये भी आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिए ट्रिपल स्टार इसको। फाइनल एक डेरिवेशन आता है, वो फॉर्मूले को आप लोगों को याद करना है, इंपॉर्टेंट। आप इतना बस पढ़ के जाइए, कहीं भी आप लोगों को बुक उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी फ्रेंड्स, ठीक है। या फिर इसे आप बोल दीजिए फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटर EMF, क्योंकि मैंने डिस्कशन किया था पिछली क्लास में कैसे EMF जनरेट होता है रोटर में विद द हेल्प ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। यहाँ पर लिख लीजिए इसी में फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटर EMF, और इसे कई बुक में देख लीजिए FR लिखा रहता है या फिर F- भी लिखा रहता है, F-। और F क्या है आपका, स्टेटर का फ्रीक्वेंसी है या फिर सप्लाई फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, और यही हमारा क्या है सप्लाई फ्रीक्वेंसी। हर्ट्ज में है दोनों तो हम लोग मेंशन नहीं कर रहे हैं, ये सब चीज आप लोगों को समझनी है। समझ में आया? अब आप लोगों को क्या है रोटर फ्रीक्वेंसी की मैं बात करूं, ठीक है, तो यहाँ पर एक सिंक्रोनस स्पीड आप लोगों को डिफाइन करना पड़ेगा, जैसे कि NS हमारा होता है 120 F अपॉन में P, ये हमारा इक्वेशन वन हो जाएगा, देख लीजिए। यहाँ से अगर मैं F निकालूँ तो F क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारा स्पीड आ रहा है NS P अपॉन में 120, इसी को मैं क्या कर रही हूँ P को नीचे लेके चले जा रही हूँ, तो यहाँ पर मैं F को क्या लिख सकती हूँ NS अपॉन में 120 बाई P, ये मैं लिख सकती हूँ या नहीं लिख सकती हूँ आप खुद बताइए मुझे। इसे मैं लिख सकती हूँ फ्रीक्वेंसी को, ठीक है, इसे आप इक्वेशन टू मार्क कर लीजिए, ओके। अब यहाँ से मुझे ये बताइए कि रोटर EMF फ्रीक्वेंसी जिसे मैं F- कह रही हूँ, रोटर EMF फ्रीक्वेंसी जिसे मैं FR बोल सकती हूँ या फिर F- भी बोल सकती हूँ, तो कन्फ्यूजन नहीं होना आप लोगों को। कई बुक में FR दिया रहता है, कई बुक में F- दिया रहता है। ये हमारा स्पीड है डिवाइडेड बाई 120 अपॉन में P, तो मैं इसे रिलेटिव स्पीड बोलूंगी क्योंकि रोटर की बात हो रही है विद रिस्पेक्ट टू स्टेटर, तो यहाँ पर हमारा आएगा रिलेटिव स्पीड,
ठीक है, इन आरपीएम अपॉन 120 बाई पी। रिलेटिव स्पीड क्या होता है हमारा स्टेटर और रोटर के बीच का, एन एस माइनस एन आर अपॉन में 120 अपॉन में पी भी है यहाँ पर, देख लीजिए कुछ गलत नहीं होना चाहिए, कुछ गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहां से आप मुझे ये बताइए स्लिप इज इक्वल टू क्या होता है, एन एस माइनस एन आर अपॉन में एन एस होता है कि नहीं होता है। यहां से मुझे बताइए रिलेटिव स्पीड कितना आएगा, रिलेटिव स्पीड इज इक्वल टू एन एस माइनस एन आर इज इक्वल टू एस एन एस। ये सही है नहीं है ये बताइए मुझे आप, सही है बिल्कुल, देख लीजिए रिलेटिव स्पीड कितना होता है, एन एस माइनस एन आर होता है, जो बराबर आ रहा है एस इंटू एन एस एन एस के। अब यही चीज़ आप लोगों को यहाँ पुट करना है, इस चीज़ को उठाइए यहाँ पर पुट कर दीजिए, क्या मिलेगा एन एस माइनस एन आर की वैल्यू बताइए, एस एन एस मिलेगा अपॉन में 120 पी, सॉल्व कर लीजिए एस पी अपॉन में 120 और ये है हमारा एफ आर। अब आप मुझे ये बताइए यहाँ से एफ की वैल्यू क्या है, एन एस इंटू पी अपॉन में 120, यही तो हमारा स्टेटर और सप्लाई फ्रिक्वेंसी एफ, ये पूरा हमारा है एफ। तो फॉर्मूला क्या निकल कर क्या है रोटर फ्रिक्वेंसी का, आ गया फाइनल फॉर्मूला दूसरा वाला, एफ आर इज इक्वल टू एस टाइम्स ऑफ एफ, ट्रिपल स्टार इसमें मार्क कर लीजिए आप। कई बार इससे न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। डेरिवेशन मैंने कराया है, डेरिवेशन आपको कभी भी याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर मैं डायरेक्ट बता दूं कि एफ आर इज इक्वल टू एस टाइम्स ऑफ एफ होता है वो आप भूल जाएंगे, इसीलिए मैंने ये डेरिवेशन कराया है। सबसे पहले मैंने किया है एन एस इज इक्वल टू 120 एफ अपॉन में पी, देयर फोर वी कैन राइट एफ एस एन एस पी अपॉन 120। यहाँ से एफ की मैंने वैल्यू निकाल ली है। अब हमें पता है रोटर ई एम एफ फ्रिक्वेंसी एफ आर या फिर एफ डैश भी बोलते हैं, ये क्या हो जाएगा देखिए, रिलेटिव स्पीड क्योंकि रोटर की बात कर रहे हैं अपॉन में 120 बाई पी, रिलेटिव स्पीड हमारा क्या है एन एस माइनस एन आर है, और ये होता कितना है एस टाइम्स ऑफ एन एस होता है, वही चीज़ मैंने पुट किया है और ये फाइनल डराइव किया है, रोटर फ्रिक्वेंसी इज इक्वल टू एस टाइम्स ऑफ एफ होता है। अब आप परसेंटेज स्लिप देखेंगे बहुत ही कम वैल्यू आती है, बहुत ही हमारी कम वैल्यू आती है, और अगर मैं रोटर का बोलूँ रोटर फ्रीक्वेंसी भी बहुत कम आता है, जनरली 1 हर्ट्ज 1.5 हर्ट्ज 2 हर्ट्ज इतना आप लोगों को देखने को मिलेगा रोटर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। रोटर फ्रीक्वेंसी आप लोगों को बहुत ही कम देखने को मिलेगा, और क्यों देखने को मिलेगा कम ये भी मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, रीज़न क्या है, क्योंकि कई स्टूडेंट के दिमाग में आता है कि रोटर फ्रीक्वेंसी इतनी कम कैसे आ गई, ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पर हम लोग बताएंगे कि रोटर फ्रीक्वेंसी कम क्यों आता है, जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे वहाँ पर आप मुझे ये बताइएगा कि कम क्यों आता है। फिलहाल के लिए मैं यहाँ लिखना चाहूँगी एफ आर इज इक्वल टू एफ टाइम्स ऑफ एफ, इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है, ट्रिपल स्टार आप मार्क कर लीजिए। और वैसे भी एडी करंट लॉस भी बहुत कम होता है, एडी करंट लॉस डिपेंड करता है हमारी फ्रिक्वेंसी पे, तो ये बहुत सारा रिलेशन है, ये आपके लिए होमवर्क होगा, वाई रोटर फ्रीक्वेंसी इज वेरी लेस क्यों होता है, ये क्वेश्चन है, बहुत इजी है। आप मैं चाह रही हूँ कि आप इसका आंसर बताएं, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूँगी कि क्यों हमारे रोटर फ्रीक्वेंसी कम होता है, इंटरेस्टिंग फैक्ट है इसलिए मैं बोल रही हूँ, ठीक है। अगर मान लीजिए हमारा एफ इज इक्वल टू 50 हर्ट्ज लिए हैं, तो क्वेश्चन में पूछा जाता है फॉर अ थ्री फेस इंडक्शन मोटर सप्लाई फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्स द स्लिप इज इक्वल टू 0.03 या फिर 3% भी दिया जाता है कई बार, तो एफ आर कैलकुलेट करने के लिए बोलता है। यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, एफ आर इज इक्वल टू 0.03 into 50, हैंस वी कैन राइट इट एज अ कितना आएगा 1.5 हर्ट्स आएगा, ये आप चेक कर लीजिए। ये जस्ट मैं एग्जाम्पल बता रही हूँ, MCQs क्वेश्चन जनरली इस टॉपिक से पूछा जाता है। तो तीन फॉर्मूला आया, तीनों को आप एक साथ लिख लीजिए कहीं भी अपने फॉर्मूला शीट में, उन तीन फॉर्मूले को,
और उस पर बेस्ड हम फिर न्यूमेरिकल देखेंगे कि न्यूमेरिकल किस टाइप का आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, न्यूमेरिकल जब आप करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि प्री के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स हम लोग ने थ्योरी देखा, हम लोग 3-4 फॉर्मूला देखे थे, उस फॉर्मूले के बेस पे मैं कुछ क्वेश्चन कराऊंगी न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये मैं न्यूमेरिकल करा रही हूँ, लेकिन ये एमसीक्यूज क्वेश्चन में भी पूछा जाता है, एग्जैक्टली सिमिलर टाइप का क्वेश्चन आपके एसएससी जेई में या फिर स्टेट पीएससीयू में आया हुआ है। तो हम यहाँ पर 4 क्वेश्चन ले रहे हैं, देख लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत सिंपल है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मेन बात है कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैलकुलेशन बहुत ही सिंपल होता है इस टाइप में, इसलिए आप लोगों को कभी भी इस टाइप का टॉपिक नहीं छोड़ना चाहिए। देखिए यहाँ पर मैंने 4 क्वेश्चन लिखा हुआ है, चाहे तो आप एक साथ क्वेश्चन लिख लीजिए या फिर पहला क्वेश्चन लिखिए उसके बाद उसका सोल्यूशन लिखिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन उसका सोल्यूशन, नेक्स्ट क्वेश्चन उसका सोल्यूशन। तो आप किसी भी तरीके से अपने अपने सहूलियत के हिसाब से लिख लीजिए और सिर्फ आपको क्या करना है, एक बार ट्राई करना है, फिर मैं कराऊंगी एक एक क्वेश्चन को रीड करके, और मुझे आंसर आप बताते रहिए कि कितना आंसर आपका आ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, इसमें क्या बोल रहा है, फाइंड द रनिंग स्पीड ऑफ अ 4-पोल इंडक्शन मोटर वर्किंग ऑन 50 हर्ट्ज सप्लाई विद 3% स्लिप। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग पहले क्वेश्चन में आते हैं और देखते हैं डेटा क्या क्या गिवन है और आप लोगों को निकालना क्या चीज़ है। तो यहाँ पर सॉल्यूशन फर्स्ट, देखिए गिवन डेटा क्या है हमारे पास, गिवन डेटा P कितना है, 4-पोल मशीन इंडक्शन मोटर है, तो ये हो गया हमारा P इक्वल टू 4। सेकेंड, वर्किंग ऑन 50 हर्ट्ज सप्लाई, यानी कि F की वैल्यू हम लोगों को 50 हर्ट्ज दी हुई है। ठीक है, और 3% स्लिप दिया है, तो जैसा कि मैंने डिस्कस किया था स्लिप को हम स्मॉल h से रिप्रेजेंट करेंगे, ये दिया है आपका 3%, इसको नॉर्मल में हम कन्वर्ट करते हैं परसेंटेज को हटा करके तो अपॉन में 100 आ जाएगा, इक्वल टू 0.03। ये आप लोगों का डेटा गिवन है। अब ये आप सोचिए कि आपको निकालना क्या है, तो आपको रनिंग स्पीड निकालना है ना, रनिंग स्पीड मतलब कि इसका NR आपको निकालना है, यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ NR इन RPM, ये आपका क्वेश्चन है। अब आप लोगों को पता है स्लिप क्या होता है, यहाँ से देखिए स्लिप जैसा कि मैंने डिस्कस किया था NS माइनस NR अपॉन में NS। ठीक है, परसेंटेज में ले रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को परसेंटेज की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, अब आप लोगों को ये, आप मुझे ये बताइए कि यहाँ पर हम लोगों को NR निकालना है, स्लिप गिवन है, NS आप लोगों को गिवन नहीं है, तो NS आप कहाँ से निकालेंगे, आपको पता है सिंक्रोनस स्पीड इज ऑलवेज इक्वल टू 120 F अपॉन में P, यही बेसिक फार्मूला है, जो सबसे पहला फार्मूला हम लोगों ने इंडक्शन मोटर के केस में देखा था वो 120 F अपॉन में P था। दूसरा फार्मूला हम लोगों ने देखा परसेंटेज स्लिप इज इक्वल टू NS माइनस NR अपॉन में S। ओके, ठीक है, यहाँ से आप मुझे कैलकुलेट करके बताइए कि NS की वैल्यू आपकी कितनी आ रही है, 120, F की वैल्यू दिया है 50 और P हमारा 4 है, तो यहाँ से आप लोगों को NS की वैल्यू कितनी आ रही है आप मुझे बताइए, 1500 RPM आएगी। पुट कर देते हैं वैल्यू, 0.03 इज इक्वल टू, या फिर आप पहले फॉर्मूला ड्राइव कर लीजिए जैसे कि हम ड्राइव किए थे, देख लीजिए NR इज इक्वल टू 1 - S टाइम्स NS, पुट कर लेते हैं 1 - 0.03 इंटू 1500 RPM, ये आप मुझे सॉल्व करके बताइए कि आपकी वैल्यू कितनी आ रही है। ठीक है, एग्जैक्ट बहुत ही सिंपल है, यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा देख लीजिए 1455 RPM, तो ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं, सिंपल है, हैंड से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, कैलकुलेटर की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होगी। देखिए इसी टाइप का सिमिलर क्वेश्चन आपके MCQs क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, हालांकि मैंने यहाँ पर ऑप्शन नहीं लिया है, लेकिन आप ऑप्शन कोई भी रख लीजिए उसके अकॉर्डिंग आप अपना आंसर मैच कर लीजिए। ठीक है, समझ में आया फर्स्ट का सोल्यूशन, कुछ नहीं है, हम लोगों को स्लिप का फॉर्मूला निकालना है, परसेंटेज स्लिप इज इक्वल टू NS माइनस NR अपॉन में NS, यहाँ से आप लोगों को NR की वैल्यू 1 - S टाइम्स NS मिला, NS इज इक्वल टू 120 F अपॉन में P, तो यहाँ आप देखेंगे NS की वैल्यू आ रही है 1500 RPM और इसको आप कैलकुलेट करेंगे 1 - S इंटू NS, वो जा करके आपको मिलेगा 1455 RPM, ये आप चेक कर लीजिए। तो ये हमारा हो गया पहला का सॉल्यूशन, बहुत ही सिंपल है, देखिए कोई डिफिकल्टी नहीं आनी चाहिए, देख लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में आते हैं कि मैं रब कर रही हूँ, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, जस्ट कॉपी पेस्ट मत करिए, खुद से सॉल्व करके चेक करिए आंसर सही है कि नहीं है। ठीक है,
आते हैं फ्रेंड्स हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में. सॉल्यूशन लिख रही हूँ मैं यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन का. ओके, सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है देख लीजिए. अ सिक्स पोल इंडक्शन मोटर इज सप्लाइड बाई अ 10 पोल ऑल्टरनेटर विच इज ड्रिवन एट 600 RPM. इफ द मोटर इज रनिंग एट 960 RPM देन कैलकुलेट द परसेंटेज स्लिप. जो जो दिया है मैं एज इट इज लिख लेती हूँ. पहले इंडक्शन मोटर को क्या P इज इक्वल टू सिक्स किसके लिए है? इंडक्शन मोटर के लिए है, ठीक है. एंड ऑल्टरनेटर के लिए P इज इक्वल टू कितना है? 10 है. ये आप लोगों को ऑल्टरनेटर का केस दिया है. विच इज ड्रिवन एट 600 RPM यानी कि जो ऑल्टरनेटर है उसको हम लोग को कितने स्पीड से घुमाना पड़ रहा है? NS RPM 600 RPM पे रोटेट कर रहा है. उस केस में आप लोगों को परसेंटेज स्लिप निकालना है और मोटर का हमारा NR दिया है 970 RPM. देख लीजिए 970 RPM क्वेश्चन. ये सब पूरा डेटा आप लोगों को गिवन है यहाँ पर. अब आप मुझे बताइए NS का फिर से फॉर्मूला लगाते हैं. सिंक्रोनस स्पीड इज इक्वल टू 120 F/P. यहाँ पर मैं अल्टरनेटर के लिए ले रही हूँ तो जितनी भी क्वांटिटी है NS आएगा, F और P ये सब हमारा अल्टरनेटर के लिए होगा. तो यहाँ पर ये बताइए NS कितना दिया है? 600 RPM इज इक्वल टू 120 F. देखिए यहाँ पर कहीं पर भी F प्रेजेंट नहीं है, कहीं भी 50 Hz या 60 Hz नहीं बोला है आपके क्वेश्चन में. तो यानी कि आप लोगों को F यहाँ पर अननोन है और यही क्वांटिटी आपको पहले स्टेप फर्स्ट में निकालनी है. 120 F/P ऑल्टरनेटर ले रहे हैं तो ऑल्टरनेटर का P कितना है? 10 है. देख लीजिए यहाँ से F आपका आएगा, F आएगा 50 Hz. ये स्टेप नंबर वन हुआ. देख लीजिए दिस इज आवर स्टेप नंबर वन. अगर MCQs क्वेश्चन दिया रहता तब भी आपको यही करना पड़ता. स्टेप वन में आपको फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करिए. सेकेंड स्टेप में देखिए NR इज इक्वल टू 1 - S टाइम्स NS. ये हमारा किसके केस में है देख लीजिए. ये मैं रफ कर रही हूँ यहाँ पर, आगे स्पेसिंग का प्रॉब्लम हो रहा है. फर्स्ट क्वेश्चन आई होप आप लोग लिख लिए होंगे अच्छे तरीके से. सेकेंड क्वेश्चन का भी डेटा लिख लिया है हम लोगों ने तो ये मैं रफ कर रही हूँ, ठीक है. अब आप मुझे बताइए यहाँ पर स्लिप कैलकुलेट करना है तो स्लिप इज इक्वल टू NS - NR डिवाइडेड बाई NS × 100 परसेंटेज स्लिप. ये हमारा है इंडक्शन मोटर के लिए. यहाँ पर आप लोगों को NR पता है 970 RPM है. NS इन केस ऑफ इंडक्शन मोटर कितना होगा वो हम लोगों को कैलकुलेट करना पड़ेगा क्योंकि नंबर ऑफ पोल्स चेंज हो जा रहे हैं. तो यहाँ लिख लीजिए फॉर इंडक्शन मोटर P इज इक्वल टू 6 गिवन क्योंकि F हमारा 50 Hz अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया. तो यहाँ से मुझे आप NS कैलकुलेट करके बताइए 120 F कितना है? 50 / 6 120 F/6 कितना आ जाएगा यहाँ से? 1000 RPM. कोई डाउट नहीं होना चाहिए, 1000 RPM आपका आंसर आ जाएगा. लेकिन आप लोगों को स्लिप कैलकुलेट करना है तो लास्ट में हम स्लिप भी कैलकुलेट कर लेते हैं जिसे हम बोल रहे हैं S. ये क्या होता है? NS - NR / NS. NS कितना निकाला है हम लोगों ने? 1000. NR कितना गिवन है? 970 / 1000. तो यहाँ से आएगा देखिए 30 / 1000 परसेंटेज के लिए 100 मल्टीप्लाई करिए तो आपका आएगा 3% और ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा. तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको पूछा जाता है MCQs क्वेश्चन वन डे एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा आता है इस टाइप का क्वेश्चन न्यूमेरिकल. देख लीजिए फिर से मैं एक बार आप लोगों को देखिए एक्सप्लेन कर लेती हूँ. अगर किसी स्टूडेंट को डाउट है तो डाउट नहीं रखना है हम लोगों को क्योंकि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ कैलकुलेशन करना है आप लोगों को. पहले केस में हमारा इंडक्शन मोटर के लिए P नंबर ऑफ पोल्स 6 दिए हुए हैं. दूसरे केस में हमारा ऑल्टरनेटर का पोल 10 दिया हुआ है. NS दिया है ऑल्टरनेटर के लिए 600 RPM एंड NR दिया है इंडक्शन मोटर के लिए 970 RPM. ये तो आप लोगों को डेटा आई थिंक समझ में आ रहा होगा अच्छे तरीके से. उसके बाद आप लोगों को स्टेप वन में क्या करना है, 120 F/P सिंक्रोनस स्पीड होता है. यहाँ से आपको अल्टरनेटर का NS पता है, P पता है, F पता नहीं है. तो वहाँ से हमने F कैलकुलेट कर लिया, 50 Hz आ रहा है.
सेकेंड स्टेप में आप लोगों को ये पता है एन आर इज इक्वल टू वन माइनस एस टाइम्स एन एस, या फिर स्लिप इज इक्वल टू एन एस माइनस एन आर अपॉन में एन एस. ओके, 100 का मल्टीप्लाई करेंगे परसेंटेज के लिए, वो आप लिख लीजिएगा. अब यहाँ पर इंडक्शन मोटर के लिए देखिए, P इक्वल टू 6 दिया है, F हमारा है 50 हर्ट्ज, 120 F अपॉन P से हम NS निकाले हैं किसके लिए, इंडक्शन मोटर के लिए. ये आप यहाँ पर लिख लीजिए फॉर इंडक्शन मोटर. उसके बाद आप जस्ट फॉर्मूले में पुट करिए, परसेंटेज स्लिप इज इक्वल टू 1000 माइनस 970 अपॉन में 1000 इक्वल टू 30 अपॉन 1000 इंटू 100 किए तो परसेंटेज में कन्वर्ट हुआ और ये आ गया आपका 3%. ठीक है, 3% आपका आंसर आ जाएगा. तो ये हुआ कंप्लीट सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 2 का. देख लीजिए, सिंपल है न्यूमेरिकल. देखिए बहुत आता है आपके मेंस में भी, इस टाइप का न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. अच्छे से प्रैक्टिस करिए और एमसीक्यूज बनाने की कोशिश करिए. ठीक है, आइए हमारा थर्ड क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं. दिस इज द सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, अ थ्री फेज इंडक्शन मोटर हैज टू पोल्स एंड इज कनेक्टेड टू 400 वोल्ट 50 हर्ट सप्लाई. कैलकुलेट द एक्चुअल स्पीड ऑफ रोटर एंड रोटर फ्रीक्वेंसी व्हेन द स्लिप इज 4%. तो आप जरा याद करिए, हम लोगों ने रोटर फ्रीक्वेंसी पढ़ा था अभी अभी. रोटर फ्रीक्वेंसी जिसे हम एफ डैश बोल सकते हैं या फिर एफ आर भी बोल सकते हैं, ये कितना होता था, एस टाइम्स एस एफ, एस टाइम एफ होता था और एस एफ बोलते हैं. स्लिप इंटू फ्रिक्वेंसी, ये हमारा रोटर फ्रिक्वेंसी होता था. गिवन डेटा लिख लेते हैं इंडक्शन मोटर के लिए. पी यहाँ पर टू पोल दिया है. ओके, यहाँ पर एफ हमारा 50 हर्ट्स दिया हुआ है और परसेंटेज स्लिप दिया है 4%, जिसे हम अगर परसेंटेज में हटाना चाहें तो 0.04 में लिख सकती हूँ. ठीक है, इतनी बात आप लोगों को समझ में आई, ये आप लोगों को डेटा गिवन है. अब आप मुझे बताइए एक्चुअल स्पीड का, एक्चुअल रोटर स्पीड क्या होता है. एक्चुअल रोटर स्पीड जिसे हम बोलते हैं एनआर, एनआर और फॉर्मूला अभी अभी हमने डराइव किया था. एनआर का क्या होता था, 1 माइनस एस टाइम्स ऑफ एनएस होता था. आप इसको ट्रिपल स्टार मार्क कर लीजिए फॉर्मूला को, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला होने वाला है. ओके, अब यहाँ पर आप लोगों को S पता है, 4% दिया है, NS नहीं पता है, तो NS आप लोगों को यहाँ से निकालना पड़ेगा. निकाल लेते हैं, सिंक्रोनस स्पीड इज इक्वल टू 120 F अपॉन में P. ठीक है, 120 F अपॉन में P. 120 F कितना दिया है, 50 हर्ट्ज दिया है, एंड नंबर ऑफ पोल्स कितना दिया है, 2 दिया है. तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 3000 RPM आ जाएगा. देख लीजिए, 120 अपॉन में 2 कट जाएगा 60 से, 60 इंटू 50 3000 RPM आपका आंसर आएगा. ये आपका हो गया NS का. ठीक है, इतना हो गया. नेक्स्ट स्टेप में हम आते हैं. देख लीजिए, अब NR इज इक्वल टू 1 माइनस S टाइम्स NS में पुट कर दीजिए. सब कुछ आप लोगों को पता है, NR इज इक्वल टू 1 माइनस S टाइम्स ऑफ NS विच इज 1 माइनस 0.04 इंटू कितना है हमारा 3000 RPM इज इक्वल टू 0.96 इंटू 3000 RPM, जिसे आप लिखेंगे 2880 RPM. ठीक है, आई होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा. ठीक है, तो इसका आंसर 2880 RPM आ जाएगा NR. ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, एक्चुअल रोटर स्पीड है जिसे हम NR बोलते हैं. दिस इज आवर आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 3. अब नेक्स्ट क्या पूछ रहा है इसी क्वेश्चन में, इसी क्वेश्चन में बोल रहा है हम लोगों को और क्या कैलकुलेट करिए, रोटर फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करिए. तो जैसा कि मैंने अभी डिस्कस किया था, वहाँ पर फॉर्मूला लिखा हुआ है, रोटर फ्रीक्वेंसी, रोटर फ्रीक्वेंसी जिसे हम F डैश बोलेंगे इज इक्वल टू S टाइम्स ऑफ F. अब तो कुछ रह नहीं गया, ऐसा आप लोगों को पता है, 0.04 into 50 which comes out to be 2 hertz. देखिए बहुत ही कम फ्रीक्वेंसी आ रहा है इसका, रोटर फ्रीक्वेंसी, और ये आपका है फाइनल आंसर, ये आपका है फाइनल आंसर. देख लीजिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन हो गया. पहले के लिए आंसर है 2880 RPM, दूसरे के लिए 2 hertz है. तो यहाँ पर आपको क्या करेगा, बस क्वेश्चन में डेटा चेंज करेगा. जैसे यहाँ पर 4% स्लिप दिया है,
तो हो सकता है नेक्स्ट टाइम आप लोगों को 3% स्लिप देखने को मिले, 50 हर्ट्ज दिया है, हो सकता है आप लोगों को 60 हर्ट्ज या 40 हर्ट्ज देखने को मिले। लेकिन ओवरऑल मैं यही बताना चाहती हूँ कि फॉर्मूला बस हमेशा सेम रहेगा, सिर्फ आपको फॉर्मूले में कमांड होनी चाहिए। कहीं भी अगर आपने फॉर्मूला शीट बनाया हुआ है वहाँ पर ये तीन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला नोट डाउन कर लीजिए, पूरे इंडक्शन मोटर में ये तीन फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ओके फ्रेंड्स, अब आते हैं हमारे फोर्थ क्वेश्चन में। क्वेश्चन को रीड करिए और खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए। यहां पर हम लोगों को क्या बोल रहा है देख लीजिए, कैलकुलेट करने के लिए। सो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर फोर्थ। अ 6-पोल इंडक्शन मोटर इज फेड फ्रॉम 50 हर्ट्ज सप्लाई। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटर ईएमएफ एट फुल लोड इज 2 हर्ट्ज, देन कैलकुलेट द फुल लोड स्पीड एंड स्लिप। यानी कि यहाँ पर डेटा जो गिवन है आपके लिए वो है स्पीड इज इक्वल टू 6 एंड एफ इज इक्वल टू 50 हर्ट्ज, एंड ऑल्सो इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटर ईएमएफ। तो मैंने डिस्कशन किया था फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटर करंट या फिर फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटर ईएमएफ हमारा होता है एफ डैश, जिसे हम एफ इंटू एस इंटू एफ कहते हैं, और इसे कई बुक में एफ आर भी गिवन रहता है। तो यहाँ पर लिख लीजिए एफ आर इज इक्वल टू एस टाइम्स ऑफ एस एफ। एफ हमारा है सप्लाई फ्रीक्वेंसी, एस हमारा है स्लिप, और एफ डैश हमारा है रोटर फ्रीक्वेंसी। यहाँ पर रोटर फ्रीक्वेंसी कितना दिया है, 2 हर्ट्ज दिया हुआ है। ओके, 2 हर्ट्ज दिया है, दिस इज अवर 2 हर्ट्ज, ये आपका है 50 हर्ट्ज। फॉर्मूले में पुट कर लीजिए एस कितना आ जाएगा, देखिए एफ डैश अपॉन में एफ आएगा स्लिप, और यहाँ पर 2 हर्ट्ज आपका एफ डैश है, तो यहाँ से 2 करिए डिवाइडेड बाई 50 करिए। परसेंटेज में कैलकुलेट करना चाहते हैं तो कर लीजिए, ये आएगा 4%, जिसे हम 0.04 भी कह सकते हैं। ये आपका हो गया स्टेप नंबर 1। आई होप आप ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा रोटर फ्रीक्वेंसी का कंसेप्ट। रोटर फ्रीक्वेंसी का कंसेप्ट आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट स्टेप नंबर 2, इसमें क्योंकि 2 पार्ट पूछा है, एक तो बोला है आप लोगों को क्वेश्चन में कि फुल लोड स्पीड निकालिए एंड स्लिप, तो स्लिप हम लोगों ने निकाल लिया, स्पीड निकालना है। फुल लोड स्पीड ऑफ मशीन, तो ये हो जाएगा आपका एन आर इज इक्वल टू 1 - s टाइम्स ऑफ एन एस। 1 - 0.04 इंटू एन एस कितना हम लोगों ने निकाला है, तो एन एस यहाँ से आप कैलकुलेट कर लीजिए, एन एस इज इक्वल टू 120 एफ अपॉन में पी। 120 एफ कितना है, 50 हर्ट्ज अपॉन में 6 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1000 आरपीएम। 1000 आरपीएम मल्टीप्लाई कर लीजिए, 1 - 0.04 इज 0.96 इंटू 1000 विच कम्स आउट टू बी 960 आरपीएम। ठीक है, ये आपका हो जाएगा एक्चुअल स्पीड। दिस इज द आंसर एंड हियर दिस इज द फाइनल आंसर 0.04। देखिए बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल था, बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल था। ये 4 क्वेश्चन को हम लोगों ने 3 फॉर्मूले से निकालने की कोशिश की अपना आंसर। पहला एन एस इज इक्वल टू 120 एफ अपॉन में पी, सेकेंड एस स्लिप इज इक्वल टू एन एस माइनस एन आर अपॉन में एन एस, थर्ड रोटर स्पीड एन आर इज इक्वल टू 1 - s टाइम्स ऑफ एन एस, और रोटर फ्रिक्वेंसी एफ डैश इज इक्वल टू एस टाइम्स ऑफ एफ। तो ये तीन चार फॉर्मूला आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट डाउन करिए, फिर हम एक और क्वेश्चन देखते हैं और उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में और अच्छे अच्छे क्वेश्चन और कंसेप्ट देखेंगे। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप 3 स्टार मार्क कर लीजिए। और इस टाइप का कंसेप्ट मैं जब नोट पॉइंट पढ़ा रही थी अभी, तो मैंने आपसे डिस्कस किया था, नोट पॉइंट में आप इसे ध्यान रखिए क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज आप कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। आप अपने सिलेबस के हिसाब से और अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़िए तो बहुत अच्छा होगा, अदरवाइज आप कन्फ्यूज़ हो जाएंगे, वहाँ पर क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन रीड कर लेते हैं और क्या क्या निकालना है वो हम लिख लेते हैं, हमारा इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट जो हमने पढ़ा था वो एक बार और रिकॉल कर लेते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, अ 3-फेज 50 हर्ट्ज इंडक्शन मोटर हैज़ अ फुल लोड स्पीड ऑफ 960 आरपीएम, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ रोटर फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट रोटर स्ट्रक्चर, सेकेंड स्टेटर स्ट्रक्चर एंड थर्ड स्टेटर फील्ड। तो ये तीन हम लोगों को कैलकुलेट करने बोल रहा है यहाँ पर, आइए इसका सॉल्यूशन हम लिखते हैं।
सॉल्यूशन निकलने के पहले आप इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट करके लिखिए, क्योंकि आंसर लाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आंसर तो आ ही जाएगा कैलकुलेट करेंगे तो। इंपॉर्टेंट नोट में आप लोगों को फिर से मैं बता देती हूँ, लिख लीजिए आप। पहला, स्पीड ऑफ स्टेटर विद रिस्पेक्ट टू, पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है। स्पीड ऑफ स्टेटर विद रिस्पेक्ट टू, हम लोगों ने देखा था स्टेटर स्ट्रक्चर, स्टेटर स्ट्रक्चर कितना था हमारा, ns होता था। जब भी स्टेटर स्ट्रक्चर के रिस्पेक्ट में, चाहे वो स्टेटर हो चाहे रोटर हो, हमेशा हमारा स्पीड ns आएगा। सेकेंड, विथ रिस्पेक्ट टू रोटर स्ट्रक्चर, विथ रिस्पेक्ट टू रोटर स्ट्रक्चर इट विल बी ns माइनस nr, जिसे हम ns भी बोलते हैं। ये हो गया आपका सेकेंड। थर्ड, विथ रिस्पेक्ट टू रोटर फील्ड, विथ रिस्पेक्ट टू रोटर फील्ड, यहाँ विथ द स्पीड ऑफ स्टेटर फील्ड लिखिएगा यहाँ पर, द स्पीड ऑफ स्टेटर फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू रोटर फील्ड इज ऑलवेज जीरो। हमेशा स्टेटर और रोटर एक दूसरे के रिस्पेक्ट में घूमते हैं, और उसके बाद जो उसका रिजल्टेंट स्पीड आता है वो जीरो आता है, इसीलिए हम बोलते हैं स्पीड ऑफ स्टेटर फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू रोटर फील्ड इज जीरो। सेकेंड हमारा, स्पीड ऑफ रोटर फील्ड, स्पीड ऑफ रोटर फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू क्या देखेंगे हम लोग, देख लीजिए फिर से वही तीन बातें हम यहाँ करने वाले हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। फर्स्ट हमारा है विथ रिस्पेक्ट टू स्टेटर स्ट्रक्चर, विच इज अगेन सिंक्रोनस स्पीड ns। सेकेंड, विथ रिस्पेक्ट टू रोटर स्ट्रक्चर, विच इज ns माइनस nr, ठीक है। एंड विथ रिस्पेक्ट टू स्टेटर फील्ड, विथ रिस्पेक्ट टू स्टेटर फील्ड इज ऑलवेज जीरो। तो अभी आप लोगों को क्वेश्चन में ये वाला पार्ट बोला है, देख लीजिए, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ रोटर फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू स्टेटर स्ट्रक्चर, रोटर स्ट्रक्चर एंड स्टेटर फील्ड, ओके। यहां पर हम लोगों को दिया हुआ है, देख लीजिए, यहां पर आप लोगों को कुछ नहीं गिवन है, सिर्फ आप 50 हर्ट्ज इंडक्शन मोटर और फुल लोड स्पीड 960 आरपीएम है। तो ये किसके पास में होगा, ये ns इज इक्वल टू 1000 आरपीएम के पास में वैल्यू होगी, ठीक है। अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है सिंक्रोनस स्पीड, तो आप लोगों को ये अज्यूम कर लेना है कि अगर रोटर स्पीड 960 है तो आपको सिंक्रोनस स्पीड 1000 आरपीएम लेना पड़ेगा। और अगर मान लीजिए हम आप लोगों को nr दिया हुआ है 1470 आरपीएम, तो यहाँ पर आप लोगों को ns कंसिडर करना पड़ेगा, उसके पास वाली वैल्यू जो होती है 1500 आरपीएम 50 हर्ट्ज पे और 4 पोल पे हमारा ये आता है। तो ये सब डेटा आप अज्यूम कर सकते हैं, ओके। अब यहाँ पर आंसर लिख लीजिए, द स्पीड ऑफ रोटर फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू स्टेटर स्ट्रक्चर इज कितना हमारा, 1000 आरपीएम, क्योंकि ns हम लोगों ने 1000 आरपीएम लिया है। सेकेंड, विथ रिस्पेक्ट टू रोटर स्ट्रक्चर इज ns विच इज 1000 माइनस फुल लोड स्पीड इज 960, तो ये हो जाएगा 960 आरपीएम, जिसे मैं कहूँगी 40 आरपीएम इसका आंसर आएगा, और इसके लिए तो ये हमेशा जीरो होता है, तो कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है। देख लीजिए अच्छे तरीके से, यहाँ लिख लीजिए किसी भी नोट पॉइंट में, कहीं पर भी नोट पॉइंट आप लिख लीजिए। अगर मान लीजिए इसी क्वेश्चन में आप लोगों को स्पीड ऑफ स्टेटर फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू दिस बोला रहता, तो आप लोगों को ये कैलकुलेट करना पड़ता, लेकिन इस क्वेश्चन में वो पूछा है, तो आप इसी सीक्वेंस में याद रखिए, क्योंकि इस सीक्वेंस में याद नहीं रखेंगे तो कन्फ्यूज हो जाएंगे, ns माइनस nr था या ns था या जीरो था। एक पॉइंट आप लोगों को स्टेटर फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू रोटर फील्ड या फिर स्पीड ऑफ रोटर फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू स्टेटर फील्ड में ध्यान रखना है, हमेशा जीरो आएगा, ये चीज़ आप लोगों को समझनी है। देखिए बहुत सारा न्यूमेरिकल हम लोगों ने देखा, आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठाइए और उसमें से प्रैक्टिस करने की कोशिश करिए, मैं गारंटी दे रही हूँ इसी टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा। इससे थोड़ा बहुत डिफरेंस आ सकता है सिर्फ आपके डेटा में, अदरवाइज कंसेप्ट पूरा यही होगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम और बात करेंगे, स्लिप का कंसेप्ट आएगा देखने को, रोटर ईएमएफ पे हम बात करेंगे, और उसके बाद एक एक क्वांटिटी को हम निकालेंगे, जैसे मैक्सिमम टॉर्क हो गया हमारा, फुल लोड टॉर्क हो गया, तो ये सब हम कैलकुलेट करेंगे। थैंक यू।
थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड. इफ यू लाइक दिस वीडियो शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब दिस चैनल. डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन बटन टू गेट फर्दर अपडेट्स. और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में दे दिया है. प्लीज चेक इट. SSC JEE के लिए बेस्ट बुक्स और टेस्ट सीरीज का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है. थैंक यू वेरी मच. सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो.